भारत, चाइना और भी कई देश जनसंख्या वृद्धि से बहुत परेशान है। भारत के अंदर दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर इंडिया। आपस में होड़ लगी हुई है किसकी जनसंख्या ज़्यादा हो। भाग रही है पॉपुलेशन, हर मिनट हर घंटों इतने बच्चे पैदा होते हैं, पूरी हालत हो गई है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? कुछ लोग तो शिक्षित ज्यादा परिवार नहीं है, जो शिक्षित हैं उनके मन के अंदर भी एक विचार है कि अगर लड़का नहीं हुआ तो हमारा वंश नहीं चलेगा। अगर किसी के छः छः आठ आठ लड़कियां भी हो जाएं तो भी वो ये नहीं कि आगे बच्चे पैदा करने बंद कर दे, नहीं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं कि बढ़ाते चले जाओ पॉपुलेशन। जब तक लड़का नहीं होता बच्चे पैदा करते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिक वृत्ति है कि जितना ज्यादा बड़ा परिवार होगा समाज के ऊपर उतना ज्यादा दबाव होगा। कुछ लोगों की ऐसी मानसिक वृत्ति है कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे हमारा धर्म उतना ही मजबूत होगा, उतने ही ज्यादा लोग होंगे, वो भी लगे रहते हैं बच्चे पैदा करने। कई कई महिलाओं से शादी कर लेते हैं और हर साल दो दो चार चार बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो ये उनको न शिक्षा मिल पाती है, न रोजगार मिल पाता है, न सही से पालन पोषण हो पाता है, न सही से उनको दिशा दी जा सकती है, न उनको कहीं पर सेट किया जाता है। इससे देश में बेरोजगारी भी बढ़ती है, भुखमरी भी बढ़ती है और ऐसे लोग देश के ऊपर बोझ भी बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए और सरकार को भी समझाना चाहिए कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं बहुत समझाता हूँ, अरे अब तो 7 लड़कियां हो चुकी, क्या कम बच्चे हैं, कहाँ पढ़ाओगे? आज के समय में एक बच्चे को शिक्षा देना इतना भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है। कितने खर्चे बढ़ रहे हैं उसके, एक बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाना एक नौकरी वाले आदमी के बहुत मुश्किल से काम चलता है। परिवार भी संभाल सके और बच्चे को भी पढ़ा सके, बहुत बड़ी बात है, दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। और ऐसे में वो लोग जिनके पास न रोजगार है न कोई काम है, बस बच्चे पढ़ाने के ऊपर पूरा जोर लगा दिया, पूरा ध्यान लगा दिया, तो ऐसे वो बच्चे क्या सीखेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे भला होगा, और फिर उनके भी कितने बच्चे होंगे। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी। और खाद्यान्न का भी संकट हो गया, शिक्षा का भी संकट हो गया और मकान का भी संकट हो गया, और सब पृथ्वी भी सीमित है, सुख सुविधाएं भी सीमित है, जल भी सीमित है और भोजन भी सीमित है। अगर सब कुछ सीमित है और हम जनसंख्या असीमित पैदा करेंगे तो प्रकृति का क्या हाल होगा? सारी प्रकृति का दोहन हो जाएगा, सारे खनिज प्रकृति से सींच सींच के निकाल लिए जाएंगे, खींच लिया जाएगा सब कुछ, पेड़ पौधे प्रकृति नष्ट कर दी जाएगी। भोजन के नाम के ऊपर, सुख सुविधाओं के नाम के ऊपर फिर भी काम नहीं चलेगा। तो अपने लड़का लड़की को आप समान समझो, बराबर से उनका पालन पोषण करो, बराबर से उनकी देखभाल करो और
परिवार नियोजन जिस प्रकार से भी हो सके, कैसे भी समझे, कोई भी रास्ता हो। आजकल तो बहुत तकनीकें चली हुई हैं, अनेकों प्रकार की विज्ञान ने खोज किए हैं कि जिससे परिवार को नियोजित किया जा सके। और जो ये अंदर में भय है, अगर एक लड़का हुआ तो अगर इसके कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इससे आप मत घबराओ, मत डरो। एक बच्चा काफ़ी होता है और बहुत होता है। अगर सेवा करेगा, संभाल करेगा, मदद करेगा, कामयाब होगा, तो एलन मस्क भी एक ही है, वॉरेन बफे भी एक ही है। इस प्रकार से एक इंसान इतनी ऊंचाई तक चला जाता है, इतनी ऊंचाई तक चला जाता है, तो फिर आपको कौन रोकेगा। इस प्रकार से उसका पालन पोषण करो, सही दिशा दो और जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो।